तो राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी प्लानिंग की है। पार्टी के अंदर निष्क्रिय बैठे पदाधिकारियों की छुट्टी करने का मन भी बनाया जा चुका है। साथ ही दूसरे दलों के बड़े नेताओं का चुनाव से पहले पार्टी में शामिल किए जाने पर विचार भी किया जा रहा है। बीजेपी के गठबंधन की चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय लोकदल नए सिरे से प्लानिंग कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में नए नेताओं की एंट्री और अंदरूनी बदलाव की बयार बहने लगी है। बीजेपी से गठबंधन की चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय लोकदल में भी आंतरिक फेरबदल की तैयारियां होने लगी है। बड़े बदलाव के संकेत के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल में हलचल बढ़ गई है। पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बदलाव की तैयारी की है। प्रमुख पदों पर बैठे निष्क्रिय नेताओं को हटाने की कवायद शुरू होने वाली है। इसके लिए जयंत चौधरी ने विधायकों, राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से फीडबैक भी ले लिया है। देखिए, पार्टी का विस्तार हर समय होता रहता है। बिल्कुल संगठन के अंदर विस्तार की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, और जब भी चुनाव आता है तब एक विशेष रूप से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलती है। आज जिस तरीके से आरएलडी का कहीं ना कहीं जनाधार बढ़ रहा है, लोग चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल को जुड़ना, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय लोकदल एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कि जिसके ऊपर किसी तरीके का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, तो हर व्यक्ति साफ सुथरी छवि की और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़ना चाहता है। एक तरफ संगठन में बदलाव की चर्चा है तो दूसरी ओर पार्टी खुद को मजबूत करने में भी जुटी है। दूसरे दलों के कद्दावर नेताओं को राष्ट्रीय लोकदल में शामिल कराए जाने पर भी विचार हो रहा है। बताया जा रहा है कि कई दलों के नेता राष्ट्रीय लोकदल के संपर्क में हैं, जल्द ही उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जा सकती है। नए चेहरे डेफिनेटली कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उनको अहम भूमिका में कहीं ना कहीं हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे भी विस्तार का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव हमारे करीब है, तो जो विस्तार है किसी भी पार्टी का विस्तार चुनाव के समय विशेष रूप से होता है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में बीजेपी के साथ गठबंधन से पहले राष्ट्रीय लोकदल खुद को मजबूत करने की कोशिश में है, ताकि उसका असर चुनावों के बाद वोटों की गिनती में नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।